शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे कयामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के हाथ से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? ये अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी,
और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्या तुम मर्दों की तरफ मायल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहां के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहां रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंगदिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। तो उन्होंने कहा ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रस्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धसा दिया और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते, ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो, हाँ जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो। और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थी वो इस पर ईमान ले आते हैं, और बास इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं, और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे, ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है
और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं, और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में इन पर जरूर अचानक आकर रहेगा और इनको मालूम भी ना होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं जबकि दोजख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो, हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का यह खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला है जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेरे फरमान किया तो कह देंगे अल्लाह ने, तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने, कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है, काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते खालिस करते हुए उसी के लिए इताअत को, लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुकरी करें और फायदा उठाएं। सो खैर, अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकामे अमन बनाया है और लोग इनके गिर्दोनवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुकरी करते हैं? और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे? क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको जरूर अपने रास्तों पर चला देंगे, और अल्लाह तो नेकुकारों के साथ है।